क्लास 12 चैप्टर 6 रेवेन्यू आज हम पढ़ेंगे। कल तो हमने रेवेन्यू पढ़ ली, डेफिनेशन, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन TR टोटल रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू एंड AR एवरेज रेवेन्यू अंडर डिफरेंट मार्केट्स। अलग अलग मार्केट्स में पढ़ेंगे। तो पहला आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो हम देख लेते हैं डिफरेंट मार्केट्स कितने होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मार्केट विच आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। TR, MR और AR को हम अगर डिस्क्राइब करेंगे तो उन्हें दो, उनके क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। ए अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पहला होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पर प्राइस क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है। बी हो अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बी कौन सा है रिलेशनशिप, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं होता है, जैसे देट इज़ उसके अंदर क्या आएगा, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। फर्स्ट रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम AR और MR के बीच में। ए पढ़ेंगे व्हेन प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट और परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में हम डिफरेंट रिलेशनशिप देखेंगे, किस कंडीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ पर प्राइस क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं, वही क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट, तो मार्केट में सिर्फ एक ही प्राइस क्या होता है, प्रिवेल होता है, चलता है। सिंस ऑल द गुड्स आर होमोजीनियस एंड आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, और इसीलिए जितने भी सब गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब होता है एक रुपया एक सा, एंड आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, और इसीलिए इन्हें एक ही प्राइस से क्या किया जाता है, बेचा जाता है सेम प्राइस पर। और इस कंडीशन में AR एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है, इक्वल होती है। एज अ रिजल्ट AR एंड MR कर्व विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू OX एक्सिस विद प्राइसेस कांस्टेंट और परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि AR और MR जो कर्व होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और OX एक्सिस पर बनाई जाती है कर्व जब प्राइस कांस्टेंट होता है और परफेक्ट कंपटीशन होता है। तो ये जो है हम हॉरिजॉन्टल लाइन हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू और आगे समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, अभी हमने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में डिफरेंस देखा था, अब हम डिफरेंस देखेंगे टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। व्हेन प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट और इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में डिफरेंस देखेंगे। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जब प्राइस क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है। व्हेन देयर एग्जिस्ट सिंगल प्राइस द सेलर कैन सेल एनी क्वांटिटी एट डेट प्राइस, जब क्या होती है सिंगल प्राइस होती है तो सेलर कितनी भी क्वांटिटी में क्या करता है, कितनी भी क्वांटिटी में अगर उसे कुछ प्रोडक्ट सेल करना तो उसकी प्राइस क्या होगी, सेम होगी। उस कंडीशन में अगर एक्स्ट्रा भी क्या कर रहा है वो सेल कर रहा है, उस कंडीशन में भी उसकी प्राइस क्या होगी, सेम होगी। एनी क्वांटिटी में उसकी प्राइस क्या होगी, सेम होगी। द टोटल रिवेन्यू इंक्रीजेस एट अ कॉन्स्टेंट रेट, तो क्या होता है, प्राइस क्या होती है, सेम होती है, और क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उस कंडीशन में जो टोटल रिवेन्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन उसके जो रेट होते हैं, उसके प्राइस होते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। MR is horizontal to X axis, और लेकिन जो MR होती है, मार्जिनल रिवेन्यू होती है, वो किसी होती है, हॉरिजेंटल होती है। हम इन्हें और कर्व के थ्रू और समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब टेबल शो हो रही है, हमें टेबल दिख रही है, टेबल में 5 कॉलम दे रखे हैं, यूनिट्स, प्राइस, TR, AR और MR, 5 कॉलम है। यूनिट्स देखेंगे हम, 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स दे रखी हैं। फर्स्ट यूनिट पर प्राइस है 10, सेकेंड यूनिट पर प्राइस 10, थ्री यूनिट पर प्राइस 10 और फोर यूनिट पर भी प्राइस क्या है, 10 है। प्राइस सेम क्यों है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राइस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर चारों यूनिट में प्राइस किसी है, सेम है, कांस्टेंट है। हम TR देखेंगे, टोटल रिवेन्यू देखेंगे, तो टोटल रिवेन्यू कितनी है, पहले 10 थी, देन सेकेंड यूनिट पर 20 आ गई, देन 30, देन 40। टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू आ जाती थी। टोटल रेवेन्यू इस प्रकार निकली, 10 में 1 का मल्टीप्लाई किया 10, 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया 20, 10 में 3 का मल्टीप्लाई किया 30 और 10 में 4 का मल्टीप्लाई किया 40।
फोर्थ कॉलम है एआर एवरेज रिवेन्यू का, एवरेज रिवेन्यू है 10, सेकेंड यूनिट पर भी 10 और थर्ड यूनिट पर भी 10 और फोर्थ पर भी 10, तो एवरेज रिवेन्यू क्या है सभी में 10 रहती है। एवरेज रिवेन्यू हम निकालते हैं टोटल रिवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 10 में से 1 का डिवाइड किया 10, 20 में 2 का डिवाइड किया 10, 30 में 3 का डिवाइड किया 10, 40 में 4 का डिवाइड किया 10। ये फॉर्मूले पुट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग सारी हमारी रिवेन्यू निकल जाती है। नेक्स्ट लास्ट है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू निकालने का फॉर्मूला है TRN - TRN-1 या चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपन चेंज इन क्वांटिटी। तो हम दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने मार्जिनल रिवेन्यू उस फॉर्मूले में पुट की तो हमारी मार्जिनल रिवेन्यू इस प्रकार निकल गई। देन अब इसके बाद ये तो हमारी टेबल हो गई किसकी, यूनिट प्राइस, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू की। अब हम इसे कर्व बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे किस में, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बनाएंगे। तो हमने एक्सिस ली, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आएगा यूनिट्स या आउटपुट और वाई एक्सिस पर आएगा टीआर टोटल रिवेन्यू, एआर एवरेज रिवेन्यू एंड एमआर मार्जिनल रिवेन्यू। तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। देन उसके बाद हमने पहले रिलेशनशिप देखा था एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का, दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो हमने ये हॉरिजॉन्टल बना लिया, तो ये इस प्रकार बनता है एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू में रिलेशनशिप। हम किसमें, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इस प्रकार कर्व बनता है इसका। क्यों, क्योंकि एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू दोनों क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, एक जैसी होती है। देन इसके बाद टोटल रिवेन्यू हम देखेंगे, तो टोटल रिवेन्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो टोटल रिवेन्यू हमारा इस प्रकार कर्व बनेगा। तो ये हो गया एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और टोटल रिवेन्यू। टेबल के थ्रू जो कर्व बना है एक बार और इसे समझ लेते हैं। टेबल में हमारा दे रखा है यूनिट प्राइस, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू। हमने यूनिट एक्स पर बनाई, वाई पर हमने बनाया है टी आर ए आर और एम आर कर्व के लिए, मतलब प्राइस का ही है वाई। अब हमने पहले बनाया ए आर और एम आर का, तो एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू, प्राइस कितने हैं 10 है, तो यहाँ पर ये प्राइस 10 है। एंड मार्जिनल रिवेन्यू में रिलेशनशिप होता है कब, क्योंकि मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, सेम होती है। टेबल में भी हम देख सकते हैं क्या है, सेम है। कब, जब प्राइस क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। किस कंडीशन में, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। टोटल रिवेन्यू हम देखेंगे, प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट है, टोटल रिवेन्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही 10, 20, 30, 40। तो टोटल रिवेन्यू का स्लोप इस प्रकार बनता है इसमें। तो ये हो गया टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू में रिलेशनशिप, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जहाँ पर क्या होती है, प्राइस कॉन्स्टेंट होती है।